आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं। आज हम सबके आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाव ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है। मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज या महत्वाचा दिवसी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धरतीवर येण्याची संधी मिळाली। आई हैव द प्रिविलेज टू भाग्य आहे पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड कम टू पुणे व्हिच ऑक्युपाइज अ स्पेशल प्लेस इन आवर हिस्ट्री। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ूसेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ूसेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों,
जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है।